हाय दोस्तों, स्वागत है आपको लर्निंग SMEs चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अपने वोटर कार्ड में नेम, फ़ोटो या मोबाइल नंबर कैसे ये सब ऐड करें, कैसे चेंज करें। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आएंगे, सर्च करेंगे वोटर हेल्प लाइन। हमने सर्च किया, इसको सर्च मारने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे। इसे हमने डाउनलोड किया हुआ है, अभी अपडेट मांग रहा है। चलिए हम जहाँ से डाउनलोड किया वहाँ से ओपन करके आपको दिखाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सर्च लेंगे। सर्च लेने के बाद कुछ ऐसा ओपन होगा। फर्स्ट स्टेप पे आपको लेफ्ट साइड में वोटर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फोर नंबर पे आपको लिख रहा है करेक्शन ऑफ एड्रेस फॉर्म 8। आपको नेम सही करना है या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर लिंक करना है या फ़ोटो चेंज करना है, इस पर ही जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिलेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिख रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर ID नंबर, अगर आपके पास है तो यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। चलिए नो क्लिक करके दिखाते हैं क्या डिमांड करता है। नो पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम मांगेगा, पेरेंट्स नेम मांगेगा, एज, सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में मेरे पास है तो हम यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंटर योर वोटर ID नंबर डालिएगा, उसके बाद फेच डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम डाल लेते हैं। फेच डिटेल्स क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लिखेगा यू हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर ID, प्लीज क्लिक ऑन प्रोसेस बटन। तो नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी नेम रहेगा वोटर ID में वो डिटेल्स आ जाएगा, उसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेम आएगा और नीचे इधर मांग रहा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव। चलिए हम डाल लेते हैं। डालने के बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे, I am able to furnish पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमने डाल दिया आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आप रिलेटिव के मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। हम नहीं डाल रहे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के ऊपर लिख रहा शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, कहीं अगर गए हैं तो शिफ्ट हो गए तो वहाँ का डालना चाहते हैं एड्रेस तो वहाँ का डाल सकते हैं। हमको अभी इधर सही करना है, मोबाइल नंबर लिंक करना और फ़ोटो चेंज करना है, तो इसमें नीचे में क्लिक करेंगे सेकंड नंबर करेक्शन ऑफ एड्रेस इन एग्जिटिंग इलेक्ट्रोल रोल, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप एक बार में तीन चीज़ें चेंज कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेम चेंज करना चाहते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तीन ही चेंज होगा। तो हमें अभी क्या चेंज करना है, जैसे रिलेशन टाइप भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या फ़ोटो भी। लेकिन मेरे केस में अभी हमको मोबाइल नंबर लिंक करना है, मोबाइल नंबर लिंक करना और फ़ोटो अपडेट करना है। जो पहले का फ़ोटो था बहुत पहले का फ़ोटो है, अपडेट करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, नेम चेंज करना है, कर सकते हैं। ये दोनों चूज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो आप मोबाइल नंबर इसमें डालना, जो इसमें लिंक करना चाहते हैं वो डालिएगा और नीचे अपलोड पिक्चर पे। चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसको कैमरा या गैलरी बोल रहा, हमें गैलरी में फ़ोटो गैलरी पे जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन आएगा, इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद उस पर टिक पे क्लिक कर लेंगे, ये फ़ोटो ले लिए, मोबाइल नंबर भी डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, अब कहाँ से फिल कर एप्लीकेशन डालेंगे, हम डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म 8 का प्रीव्यू दिखाएगा आपको, उसका डिटेल्स दिखाएगा, एक बार देख लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर और फ़ोटो यही सेम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल होगा, आपको रेफरेंस ID मिला उसे चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक्सप्लोर पे आएंगे, उसके बाद स्टेटस पर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपका जो रेफरेंस ID इधर डालेंगे ट्रैक करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।